तो दोस्तों नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम 2020 जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप 35 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ। एक एक क्वेश्चन को रट डालिए, एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद करना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपको नहीं आता हो। दोस्तों आगे भी इससे जुड़ी और तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है। तो फ्रेंड्स कार्य का मात्रक होता है जूल। एग्जाम में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहां पर अगर आपको जूल ध्यान होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, तो तुरंत आप जूल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है, यानी कि दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई को काम में लिया जाता है। और दोस्तों ये जो इकाई है ये बहुत बड़ी है, इसलिए इसको सामान्यतः दो ग्रहों की या तारों के बीच की दूरी मापने में ही काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर है, उसके जरिए करंट मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ये तीनों याद कर लीजिए, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो तृतीय नियम के आधार पर है वो रॉकेट काम करता है। अगला, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। दोस्तों एग्जाम में जैसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन आ जाएंगे, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करना है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग लिया जाता है। तो वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो दोस्तों इसका कारण है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर रहता वो चंद्रमा के ऊपर जाएगा तो वो पृथ्वी की तुलना में वहां पर अधिक ऊंचा उछल पाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है वहां पर। अगला क्वेश्चन, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस घड़ी से उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। मान लो दोस्तों कोई भी कालीन है या हम कहेंगे कोई भी मैट है, कोई भी कपड़ा है, अगर उसे हम छड़ी से पीटेंगे तो गति का कौन सा नियम लागू होगा। इसके में दोस्तों गति का पहला नियम लागू होता है, गति के पहले नियम से ही कालीन है वो साफ हो जाएगा। अगला, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल का घनत्व है वो मैक्सिमम होता है। अगला, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, इसका क्या कारण है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है और इसीलिए हवाई जहाज में जो अपना पेन होता है, जो फाउंटेन पेन लिखने का, उसमें स्याही बाहर निकलने लगती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो उसे किस बात का घोतक है, यानी कि आंधी या झंझावात की संभावना। जब दोस्तों बैरोमीटर का पारा अचानक गिरेगा इसका मतलब आंधी आने वाली है, वो आंधी का सूचक है या घोतक है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है, ऑप्शन आ जाएंगे कि दाब घट जाता है, दाब बढ़ जाता है, इसके और कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप है वो बढ़ जाता है। अधिक दाब और अधिक ताप के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों दो प्रकार की विक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है, यानी दो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बना रहे हैं। अगला, जब दूध को प्रभावी ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। तो अपकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है जब उसे हम बहुत प्रभावी ढंग से मथते हैं। तो अगला, वाशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वाशिंग मशीन का भी कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण ही है। अगला क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो दोस्तों यहां पर तेल की कोई बूंद या तेल आप पानी में डालते हैं तो पानी की सतह के ऊपर फैल जाता है, ना कि एक जगह पर रहता है। इसका कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव है वो अधिक होता है, इसलिए वो फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, एक द्रव्य बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो दोस्तों कोई भी पानी की बूंद मान लीजिए, आप पानी ऊपर से गिराइए, जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी बूंदें हैं वो बिल्कुल गोल आकार में गिरती हैं। इसका कारण है वो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव के कारण ही की बाहर की सतह गोलाकार रूप धारण कर लेती है। अगला, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग थे। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार है वो रोनर्ड जन ने किया था।
अगला, फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं वो वाटरमैन थे। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश द्विध्रुवीय शैल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश विद्युत शैल है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर है उससे वायुमंडलीय दबाव है वो नापा जाता है या मापा जाता है। एक मील बराबर होता है, तो एक मील है वो 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, यानी 159। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 35 जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक एक को अच्छे से याद कर लीजिए। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो जाते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही, प्लस में अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो भेजिए, ताकि वो भी यहां पर ये जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से याद कर सकें और एग्जाम में उनकी भी कुछ मदद हो सके। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।